नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। आज जयपुर या वार्षिक प्रशिक्षण का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है, जिसके संदर्भ में जयपुरिया ग्रुप ऑफ स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट अनी ब्रेन भट्टाचार्य से सी न्यूज भारत के संवाददाता ने खास बातचीत की है। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल लखनऊ में, जो शहीद पथ के पास है और अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, जो बच्चों के लिए स्किल्स अगर हम उनकी बात करें तो बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो टीचर्स के स्किल को इम्प्रूव करता है। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर भट्टाचार्य, जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है स्कूल के। आज हम इनसे जानेंगे किस तरह का रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चल रहा है यहाँ स्कूल में और इसका क्या बेनिफिट होगा बच्चों के ऊपर। तो पहले तो आप सभी को नमस्कार, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसे हम लोगों ने री स्किल एंड अप स्किलिंग के नाम से रखा है, जिसमें आप एक टीचर जो बेसिकली री स्किलिंग भी ज़रूरी है और री स्किलिंग के साथ साथ अप स्किलिंग की भी ज़रूरत बहुत अनिवार्य हो गया है अब आजकल टीचरों के लिए। तो बेसिकली ये हर साल हम लोग ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, पर हालांकि ये 2 साल से हम लोग ऑनलाइन मोड में करवा रहे हैं, पर इस साल हम लोगों ने ये चाहा कि जबकि अब सिचुएशन पहले से बेहतर हुई है तो हम लोग इसे फिज़िकली करवा रहे हैं, जहाँ पे हमारे विभिन्न स्कूल कैंपसेस जो हैं यूपी और यूपी से बाहर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कैंपसेस, वहाँ से ये टीचर्स आए हैं और ये 2 दिन का हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे करवा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लर्निंग गैप्स के बारे में या स्ट्रैटेजिक चीज़ों के बारे में हम लोग टीचर्स को अवगत करवा रहे हैं, जिससे कि आप उनको आगे अपने स्कूल में क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने में सहूलियत और आसानी होगी। दूसरी चीज़ इस प्रोग्राम में जो हम लोगों ने ख़ास तौर से रखा है कि पहले दिन जो हम लोगों ने जो सेशन रखे हैं वो आपके ज़्यादातर जेनरिक सेशंस हैं, जिसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिस और उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से टीचर्स को बेनिफिट करेगी क्लासरूम में पढ़ाने में, टीचर एक हैप्पी क्लासरूम किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो बड़े स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का हो या छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, टीचर किस माध्यम से अपने आप को खुश रखें जब वो क्लासरूम में हो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे टीचरों को बता रहे हैं। तीसरी चीज़ हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी टीचर्स को थोड़ा सा ज्ञान देंगे, जहाँ पे बच्चों जैसे अपने अपने एक फेज़ के साथ साथ जो बड़े होते हैं तो उनके अपने अपने चैलेंजेस और उनके अपने प्रतिक्रियाएँ और एक्सप्रेशंस होती हैं, और वो हर टीचर को समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से वो बच्चों को ज़्यादा टाइम और फोकस तरीके से अपना इनपुट दे सके, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे टीचर उनके लिए रोल मॉडल कहा जाता है। हम लोग टीचर को अच्छी तरह ये चीज़ अगर समझा सकते हैं कि चाइल्ड और या बच्चे जिस तरीके से उनको हैंडल करना है, मैनेज करना है, किस तरीके से उनको उनके साथ जाके काउंसलिंग करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग अवगत करवा रहे हैं। जो अगले दिन का हमारा जो कल का जो सेशन है वो एक तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हम लोग करवा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री के जो नामी ट्रेनर्स हैं उनको हम यहाँ पे बुलाए हैं बाहर से, चाहे वो आपके यूपी से हो चाहे वो बाहर के उससे हो, उनके हम लोग वो ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 1-4 घंटे का स्पेसिफिक सब्जेक्ट ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग लर्निंग गैप्स के बारे में बात करेंगे, आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आर्ट को आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो गणित हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इनमें आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में बच्चे जितना रोट लर्निंग को मानते हैं उतना ही उससे ज़्यादा विजुअल लर्निंग का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। साथ ही साथ हम लोग जो NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है, उसके तहत ये कहा गया है कि 50 घंटे की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत कंपलसरी है हर टीचर के लिए। तो जबकि हमारा अपने इंस्टीट्यूशन है, हमारे अपने स्कूल के टीचर्स हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हम लोग ये शिक्षा और ये ट्रेनिंग प्रदान करें। तो ये हमारा एक तरीके से इनिशिएटिव है कि हम अपने स्कूल के टीचर्स की ये ट्रेनिंग करवाएं, और ये हर साल
दो दिन या तीन दिन का हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, जहाँ पे 15 से 20 घंटे की ऐसी ये ट्रेनिंग रहती है। और साथ ही साथ जब हमारी जो एकेडमिक टीम है जो स्कूल विजिट करती है, तो वहाँ पे भी उनके स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिस कैंपस की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के लिए उनका टीचर जो रोल मॉडल होता है, और देखा जाए तो यहाँ पे स्कूल बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीचर्स को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत 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 सारी चीज़ों का योगदान करना पड़ता है, स्कूल के माध्यम से वो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, और उनके साथ साथ स्कूल के बाहर अगर वो देखते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं कि वो ये स्कूल के कंपेरिजन में वो स्कूल अच्छा है, टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसके लिए क्या बेहतरी कर सकता है स्कूल, और ये इम्प्रूवमेंट स्कूल कर सकता है या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कर सकता है? तो देखिए, स्कूल कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, स्कूल ह्यूमन ड्रिवन है। स्कूल कोई मशीन नहीं है जहाँ पे आपने बच्चे को डाल दिया मशीन में और हमें ग्लास बनाना है तो वो उस तरीके से बन के एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कर सकता है। तो देखिए, स्कूल कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, स्कूल ह्यूमन ड्रिवन है। स्कूल कोई मशीन नहीं है जहाँ पे आपने बच्चे को डाल दिया मशीन में और हमें ग्लास बनाना है तो वो उस तरीके से बन के जो मैं हूँ वो शायद मैं ही बन सकता हूँ, शायद जो आप हैं वो आप ही बन सकते हैं। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट, ये हमें समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हम लोग ये जो गलतियाँ करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि स्कूल अच्छा तभी हो सकता है कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो, ऐसा नहीं है। स्कूल इज़ हमेशा जो स्कूल है वो टीचर ड्रिवन है, और टीचर को अगर हम लोग अच्छा ट्रेनिंग्स देंगे, टीचर्स की अगर हम लोग हर बात को थोड़ा सा समझेंगे और हम लोग अगर अपने रिजल्ट को एनालाइज करें अपने स्कूल की, तो हम लोग जो गैप्स हैं उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि स्कूल में बच्चे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे योगदान आपके माता पिता का भी रहता है, साथ ही साथ स्कूल में जो हैं, चाहे वो आपके प्रधानाचार्य हैं या टीचर हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी एक रोल है जिसके वजह से आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। आज के डेट में माहौल जो हो गया है वो ज़्यादातर हम लोग डिजिटल माध्यमों में ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, पर एक ज़माना था जब गुरुकुल की अगर हम लोग बात करें या हम अपने ज़माने की बात करें, तो हम लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम लोग खुद जाके फ़ोन करते थे या पैर पैर छूते थे जाके या कार्ड बनाते थे। आजकल वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए, स्कूल हर स्कूल अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल अच्छा है या बुरा है। किस तरीके से आप मैनेजमेंट को सिस्टम को बना रहे हैं, स्कूल को एक दिशा दिखा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फैसिलिटीज़ जो आज के डेट में रिक्वायरमेंट है जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, अगर उस चीज़ से अगर हम लोग एक्सपीरियंस कराए बच्चे को, तो बच्चा बेहतर आगे बन सकता है। दूसरी मेरी जो आज सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि कोशिश कीजिए कि अपने सबसे ज़्यादा टाइम और समय आप अपने बच्चों से बिताएं, जो कि आज नहीं तो कल। देखिए, हमारे जो फाउंडर थे पद्मभूषण मंकुराम जी, सेठ मंकुराम जी, उनका जो विजन था कि हर ज़िले में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे कस्बे में जब ऐसे अच्छे एजुकेशन नहीं मिलता है, तो फैमिली या बच्चे कहीं ना कहीं बाहर जगह पे माइग्रेट करते हैं। तो हमारा ये विश्वास था कि जबकि हमारा एक इंस्टीट्यूशन एक रेपुटेड हो चुका है, हमने इतने अच्छे अच्छे एलुमनाइज निकाले हैं और जो अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते थे कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े जो एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर सके अपने शहरों में, अपने ज़िलों में, चाहे वो टीयर 2 सिटी या टीयर 3 सिटी हो। तो हम 2014 से कोलैबोरेशन मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे फिलान्थ्रोपिस्ट इन्वेस्टर्स जो हैं, जो स्कूल लगाना चाहते हैं
और क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ के हम अपना नाम उनको दे के सारे स्कूल को एक तरीके से प्रोसेस ओरिएंटेड बनाते हैं, और जहां हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहती है, जिस तरीके का स्कूल हमारे अपने चलते हैं उसी लेवल का स्कूल हम लोग हमारे छोटे शहरों में जहाँ पर हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो देते हैं। अच्छी बात आपने ये पूछी कि हम लोग इस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि आने वाले समय में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 25 से अधिक स्कूल हमारे आने वाले 2 या 3 साल में हम लोग खोले। यूपी के हर क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस हो, और हम चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसे इन्वेस्टर जुड़े जिससे हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बना सकें और आने वाले समय के लिए हम अपने बच्चों को एक ग्लोबल सिटीजनशिप का चीज़ बना सकें। आखिरी सवाल होगा, सी न्यूज़ के दर्शकों से आप क्या बताना चाहेंगे अपने माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से कि बच्चों को क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है? जैसा आपने बताया कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर में एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करें और बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड करें। टीचर्स तो करते हैं लेकिन घर में सबसे ज़्यादा समय बच्चे पेरेंट्स के साथ बिताते हैं, तो आखिरी संदेश जो आप देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए? तो पेरेंट्स के लिए संदेश मेरा यही रहेगा कि बच्चे को समय देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज के डेट में इतना व्यस्त हो गए हैं अपने दिनचर्या में कि हम लोग शायद समय नहीं निकाल पाते। अब रहते हैं तो बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए आपको समय निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से अगर उनका सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे तो मिसगाइड भी हो सकते हैं। और आज के डेट में आपको जैसे कि पता ही है कि डिजिटल माध्यम के थ्रू आज बच्चे अपने आप को काफ़ी आगे ले जा चुके हैं, तो समय सबसे ज़्यादा बिताएं। कोशिश कीजिए कि जो मोरल वैल्यूज़ जो एक ज़माने में हम लोग प्राप्त करते थे अपने माता पिता से, वही शिक्षा आप अपने बच्चों को भी प्रदान कीजिए, जो कि आने वाले समय में वो आपकी और आपके आने वाले जनरेशन को सिखा सके और आगे आपके परिवार के नाम को ले जा सके। बिल्कुल सही बताया, और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक सफल स्कूल और एक सफल टीचर की पहचान तभी होती है जब वहाँ के बच्चे सफल होते हैं। मिस्टर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों का डेवलपमेंट केवल टीचर्स के माध्यम से नहीं होता बल्कि उनके पेरेंट्स के माध्यम से भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा सी न्यूज़ के तरफ से मिस्टर भट्टाचार्य का। मैं सुमित श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।